नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब में लुधियाना के नाली मोहल्ला में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लड़ाई पुरानी रंजिश के चलते हुई है। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष का व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। उस युवक की आंख पर हमलावरों ने तेज धार हथियारों से हमला कर दिया है। पीड़ित के मुताबिक उसे आंख से दिखाई देना बंद हो गया है। सिविल अस्पताल में उपचाराधीन अर्जुन ने बताया कि वह भाजपा नेता है, वह नगर निगम में कर्मचारी भी है, वह इलाके में विकास कार्य आदि करवाने के लिए काम करता रहता है। इसी बात की रंजिश रख दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पहले भी कई बार उससे मारपीट हो चुकी है। हमलावरों ने तेज धार हथियार से उसकी आंख पर वार किया है। आंख से दिखाई देना भी बंद हो गया है। वहीं दूसरे पक्ष के हनी मुंगिया व उनके एक अन्य साथी को भी चोटें आई हैं, जो CMC अस्पताल में दाखिल हैं। हनी की हालत गंभीर बताई जा रही है। कि मोहल्ले में घर के बाहर बिजली की तार उतारते समय दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। अर्जुन बिजली की तार गली से उतारने लगा तो दूसरे पक्ष के घर की बिजली की तार हिल गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हनी मुंगिया और अर्जुन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना SHO संजीव कपूर ने बताया कि दोनों पक्षों के लोग अस्पतालों में दाखिल हैं। लड़ाई करने वालों के होश में आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा, इसके बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना।